नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो चुका है। बीजेपी के आला नेताओं का एमपी दौरा आज है। प्रदेश चुनाव प्रभारी सह प्रभारी का 3 दिन का दौरा आज है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का आज से 3 दिवसीय दौरा है। बीजेपी कार्यालय में होगी बैक टू बैक बैठक। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कई आला अधिकारियों की बैठक होनी है, नेताओं का दौरा है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी एक्टिव होते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। प्रशांत श्रीवास्तव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये दौरा कितना अहम? जी स्थिति जी, बिल्कुल ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और अभी अमित शाह जी का दौरा भी हुआ, प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ पे दौरे और सभाएं हो चुकी हैं। तो इसको देखते हुए जो केंद्रीय दल है, इसमें अश्विनी वैष्णव भूपेन्द्र यादव जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, ये लोग बैठकों का दौर अभी चालू है। 3 दिन का ये दिवसीय है उनका दौरा, जिसमें सभी संगठन के पदाधिकारी और जो संगठन के लोग हैं उनकी बैठकें करेंगे और इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि इस बार जो 2023 का चुनाव है इसको कैसे जीता जाए, कहाँ पे कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कैसे जवाब दिया जाए, इन सब पर पूरी रणनीति बनेगी। जी, क्या लगता है पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो खामियां उन चुनावों में देखने को मिली थी बीजेपी की तरफ से, जिसलिए उनकी हार हुई थी, उन खामियों को इस चुनाव में दूर किया जाएगा, इसलिए अभी से एक्टिव होती हुई बीजेपी नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? प्रशांत जी, जी बिल्कुल। इस बार बीजेपी जो है पार्टी किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, किसी भी तरह की कोई एंटी इनकंबेंसी या फिर जो नेताओं की नाराजगी है उनको पहले से दूर करके रखना चाहती है। यही एक मामला है जिसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो आके उन सब तमाम जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, वो किसी भी तरह का फूट ना हो या पार्टी के लोग किसी अन्य पार्टी में न जाए, इन सब चीजों को बात करेंगे। और ये एक बड़ा संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में कि किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे पार्टी को नुकसान हो आगामी चुनाव में। जी, आला नेताओं का दौरा है मध्य प्रदेश में, कौन कौन से नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, बैठकों का दौर होगा, कितनी बैठकें होंगी, क्या कुछ जानकारी इन बैठकों से जुड़ी हुई आपके पास है? इसमें सभी संगठन और मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन सबकी बैठकें हैं इसमें, और साथ ही जो नाराज चल रहे हैं नेता उनको भी बुला के बात की जाएगी, और साथ में इसमें देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किन किन सीटों पर भाजपा थोड़ा से कमजोर है, वहां पर क्या रणनीति की जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए ताकि वो की वहां की कमियों को दूर किया जाए। और तमाम तरह के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनको सौंपा गया है, हर संभाग में यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री की तैनाती की गई है जो ये तय करेगा कि जो टिकट बंटने वाली है वो कहीं से ऐसे किसी उम्मीदवार को टिकट न पहुंचे जो हार का कारण बने। तो इन सब चीजों को लेके इन बैठकों का दौर है और इन्हीं के मद्देनजर ये सारी रणनीति तय की जाएगी आगामी चुनाव को लेकर। जी, यानी कि बात तो साफ है प्रशांत कि अब बीजेपी एक भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने खुद धरातल पे केंद्रीय मंत्री को उतारा है ताकि इस बार आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, उसमें कोई भी खामी बीजेपी की तरफ से नजर ना आए, कोई भी चूक एक बड़ा सत्ता जो है उनके हाथ से जाती हुई फिर नजर आएगी। जी बिल्कुल सुजीत जी, इसमें क्या है, एक तो इस बार कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी है और जो छोटी पार्टियां, वो भी आक्रामक रूप लिए हुए हैं, तो उनको देखते हुए ऐसी रणनीति बनाई जाए कि सोशल मीडिया पे भी अब दूसरी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, जनता तक पहुंच रही हैं, उनकी बैठकों का दौर जारी है और साथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक दल हैं, सारी चीज उनकी बैठकें चल रही हैं लगातार कि किसी भी तरह जो सत्ता में है सरकार, भाजपा की सरकार है, उसको किसी भी तरह गिराना है और हमको अपनी पार्टी वहां स्थापित करनी है अगले चुनाव को लेके, तो इन सब रणनीतियों पर तैयारी चल रही है। तो भाजपा इसमें कभी भी कोई एक कोर कसर नहीं छोड़ रही है और सभी रणनीति बना रही है कि किसी भी तरह इन पार्टियों को आगे ना किया जाए और जो हमारी योजना है वो जनता तक पहुंचे और जो लाभ है सरकार के वो जनता तक पहुंचने चाहिए। अभी 2-3 बड़ी योजनाएं हैं उनकी, लाडली बहना योजना जो अभी हाल ही में इन्होंने लागू की है, जो 1,000 रुपए महीना महिलाओं को मिल रहा है उनके सम्मान निधि के रूप में, तो कांग्रेस भी इसमें लाई है नारी सम्मान योजना जो 1,500 रुपए देगी, गैस सिलेंडर में 500 रुपए उनको उपलब्ध कराएगी, तो ये सब चीजें हैं जो बराबर से चल रही हैं।
भाजपा सरकार वहीं स्कूटी प्रदान कर रही है जो 12वीं पास लड़कियां और लड़के, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर ये स्थिति बन गई है। तो डाल डाल तो मैं पात पात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आना है। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। गैंगस्टर मामले में कोर्ट सुनाएगी फैसला। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज फैसला आएगा। 2009 में कपिल देव सिंह की हुई थी हत्या और ऐसे में आज फैसला आना है इस मामले पे। तो एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी। मुख्तार अंसारी के मामले में आज फैसला आना है। कई बार ऐसी तस्वीर निकल के सामने आए जो मुख्तार अंसारी गवाहों को धमकाते हुए भी नजर आए और लगातार हर दूसरे दिन मुख्तार अंसारी के कई ऐसे केस दर्ज है जिसपे सुनवाई होती आ रही है और आज 2009 के साल का केस जो है वो उस पर सुनवाई होने जा रही है। आज बता दें कि कपिल देव सिंह के कत्ल का ये मामला है जिस पे सुनवाई आज होने जा रही है जो कि गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा इस पे। और अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि आज फैसला आना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सुशील, कब सुनाया जाएगा फैसला, क्या कुछ जानकारी है? अगर स्वीटी हम आपसे बताएं तो सुबह से ही यहाँ पर गामा गामी का माहौल है क्योंकि लगातार फैसले चल रहे थे और ऐसा सुनने में आया कि आज फैसला पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा। लेकिन जो मुख्तार अंसारी से जुड़ा ये मामला है तो आज अंतिम फैसला है। अगर आज कोर्ट फैसला गाजीपुर की एमपी एमएलए सुनाती है तो ये मुख्तार अंसारी से जुड़ा यह अंतिम फैसला है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2009 का ये मामला है क्योंकि गाजीपुर के करंडा के बहुचर्चित सुगापुर गांव का ये मामला है जहां पर कपिल देव सिंह की हत्या कर दी जाती है। 2009 का ये मामला क्योंकि उस समय मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक मीर हसन नाम का व्यक्ति था जो कि मुख्तार अंसारी की हत्या का प्रयास के खिलाफ वहां पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसी गैंग के चार्जशीट में 2010 में मुख्तार अंसारी का नाम आता है। लेकिन स्वीटी, अभी जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि जो शासकीय अधिवक्ता है नीरज श्रीवास्तव इस समय कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि फैसले की डेट आगे टाल दी गई। तो क्या ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया जाएगा या पेशी होगी उनके व्यक्तिगत रूप से? अगर हम कहें तो लगातार मुख्तार अंसारी ने भी माननीय न्यायालय से ये गुहार लगाई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ना है। अतः न्यायालय के द्वारा भी उसे निश्चित ही रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ना था। लेकिन अब तक की जो सबसे जो महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, हम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं लियाकत अली, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो यही उन्होंने बताया कि फैसले की जो तारीख है वो आगे टाल दी गई है, फैसला आगे सुरक्षित कर दिया गया है लेकिन डेट अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि डेट किस दिन डॉन के खिलाफ ये फैसला। यानी कि सुशील, सुनवाई हो चुकी है और डेट आगे बढ़ा दी गई है? डेट आगे बढ़ा दी गई है लेकिन अभी मीडिया के सामने अभी डेट का ऐलान नहीं हो पाया है। अच्छा। जैसे ही होगा हम फिर जुड़ेंगे और बताएंगे। तो क्या सुशील, इसमें गवाह भी आया था कोई? क्योंकि पिछले दिनों जब सुनवाई होती हुई थी 2001 के मामले में तब साफ तौर पे अकड़ देखने को मिली थी मुख्तार अंसारी की, वो अकड़ वो धमकाते हुए नजर आ रहे थे अपने गवाहों को। ने ठीक कहा, इससे पहले भी जब मुख्तार और अफजाल को कोर्ट ने सजा सुनाया तो उस समय अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो यहाँ से सदस्यता भी रद्द हो गई थी अफजाल अंसारी की और कोर्ट परिसर में आंखों में आंसू आ गए थे, एकदम शाम से गए थे अफजाल अंसारी। तो मुख्तार का कोई गवाह यहाँ पे, क्योंकि इसका फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है, अब माननीय न्यायालय ने इसे आगे टाल दिया गया है। काफी बारिश भी यहाँ पे न्यायालय परिसर के बाहर हो रही थी, जो शासकीय अधिवक्ता थे नीरज श्रीवास्तव वो भी कोर्ट परिसर में नहीं थे तो मीडिया गई मुख्तार अंसारी के वकील के पास तो वहां पे साफ उन्होंने बताया कि फैसले को आगे टाल दिया गया है लेकिन तारीख अभी सामने रखी नहीं गई है। लेकिन यह कंफर्म है कि आगे फैसला सुनाया जाएगा गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड। फैसला आगे टाल दिया गया है लेकिन डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। लेकिन देखिए सुशील, मुख्तार अंसारी के ऊपर इतने ज्यादा केस दर्ज है कि हर दूसरे दिन सुनवाई हो रही है किसी ना किसी मामले को लेकर। पिछले दिनों देखा शुक्रवार को 2001 के मामले को लेकर उसी चट्टी कांड में सुनवाई हुई थी और आज ये कपिल देव सिंह की हत्या के मामले को लेकर आगे कितनी सुनवाई और लगातार होने जा रही है?
अगर स्वीटी हम आपसे बताएं तो 55 से लेकर 60 मुकदमे पूर्वांचल में माफिया डॉन के खिलाफ लंबित है, लगातार मुकदमे चल रहे हैं। और हम कहें तो पूर्वांचल में एक आतंक का अपरियाय सा नाम बन चुके थे मुख्तार अंसारी की। जब कृष्णानंद राय की हत्या होती है उससे पहले भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार के सामने कोई गवाह बोल पाए। इससे पहले भी जब कृष्णानंद राय का वो मामला है तो गवाह तैयार थे, लेकिन बहुत से गवाहों की हत्या कर दी जाती है और बहुत सारे गवाह कोर्ट परिसर में डर के मारे जा नहीं पाते। लेकिन जब से सरकार आई बुलडोजर बाबा की, तब से लगातार फैसले, अगर हम कहें बलिया में मामला था, चंदौली में, मऊ में, गाजीपुर में, लगातार डॉन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। इससे पहले भी बनारस में उम्र कैद की सजा डॉन को हो चुकी है, लेकिन गाजीपुर जिले से ये अंतिम मुकदमा है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। और लोगों को ये भरोसा भी था, जो परिवार के लोग थे वहां पर खड़े भी थे, और शायद उनको ये था कि आज फैसला सुनाया जाए, उनके कलेजों को ठंडक मिल जाए। लेकिन फैसले की तारीख को आगे टाल दिया गया है। जो भी खबर आएगी हम साझा करेंगे। जी बिल्कुल, जो भी खबर आएगी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी की यही हेकड़ी है कि लगातार एक के बाद अभी भी केस दर्ज होते हुए आ रहे हैं। पिछले शुक्रवार को भी एक नया केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है धमकाने के मामले में। सुशील जी, इससे पहले भी लगातार केसेस हुए और धमकाने का भी मामला था, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए, फोन से भी वो वीडियो वायरल हुए। तो इससे पहले भी हम कहें तो जो पहले डर लोग रहे थे, जिसको जो दहशत में था, गाजीपुर पे भी वो मामला था कि जो भी मार्केट में बाजार थे मोहम्मदाबाद के, वहां पर पैसे के लेन देन का मामला है या पैसे वसूले भी जाते थे जो भी दुकानदार है। तो आज अगर हम पटल पे बात करें तो निश्चित ही जो पहले दुबक्के लोग चुप रहते थे, मुख्तार के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। और उसी मामले में अगर हम कहें तो बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं और लगातार इस पर प्रशासन की टेढ़ी नजर भी है। अगर मुख्तार अंसारी की पत्नी की अगर हम बात करें तो उनका भी आफसा अंसारी 50,000 का इनाम उनपे घोषित हुआ है, भगौड़ा घोषित किया गया है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें, परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं हो रही है, डॉन के दिन लग चुके हैं। जी बिल्कुल, इतने ज्यादा केस दर्ज है मुख्तार अंसारी के ऊपर कि अगर हर एक मामले में सुनवाई हो और हर एक की सजा सुनाई जाए तो लगता है मुख्तार अंसारी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जरूर, आपने सही कहा। अगर अगर उस तरीके की का कोई नियम हो माननीय न्यायालय के सामने तो निश्चित ही ये जन्म क्या दो जन्म भी कम पड़ जाएंगे मुख्तार के लिए, क्योंकि लगातार फैसले आ रहे हैं और लगातार डॉन ने जो इससे पहले जो भी कृत्य किए थे, तो वो जो कि लोग ये कहते थे कि जब वो लोग चलते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, मोहम्मदाबाद में मार्केट खाली हो जाते थे, उस समय एक दहशत का माहौल था। अगर हम 2004-2005 की बात करें और उस समय अगर हम थोड़ा सा कपिल देव सिंह हत्याकांड के अगर थोड़ा सा रिफरेंस में जाएं तो उस समय तूती बोलती थी, लेकिन कृष्णानंद राय का मामला था उसमें भी उनकी हत्या कर दी गई। अब ये कपिल देव सिंह हत्याकांड का जो मामला है, जो कि करंडा के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल मामला है और गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में माने अधिवक्ता दुर्गेश पांडे इसे सुनाने वाले हैं। और इससे पहले भी दुर्गेश पांडे ने मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों में लगातार सजा सुना चुके हैं और जल्द ही इस फैसले का जो भी ऐलान होगा, डेट की तारीख होगी, बिल्कुल उसका इंतजार है। जल्दी इस फैसले का जो भी ऐलान होगा तब दर्शकों तक हम ये फैसला पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका तमाम जानकारियों के लिए। और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लौटने का संकेत दिया था। उन्होंने बिहार में हाल के उपचुनाव में राज्य के लिए प्रचार किया था। अब खबर ये आ रही है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा है। 18 जुलाई को शाम 5 बजे होने वाली बैठक में आने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को यह पत्र लिखा है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो यही पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चिराग पासवान को लिखा गया है और उन्होंने निमंत्रण भेजा है कि शाम 5 बजे 18 जुलाई को यह बैठक होने जा रही है और इसमें आप आइए। और माना जा रहा है कि इसी में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा गया है। पत्र लिखकर जेपी नड्डा ने स्वयं चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा है और 18 जुलाई को इस बैठक में बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस के अपने 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए।
पीएम मोदी ने फ्रांस की अपनी यात्रा को यादगार बताया और बेस्टल दिवस समारोह में भाग लेने पर इसे और अधिक विशेष बताया। उन्होंने गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल ब्रैंको और फ्रांस के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी ने कहा, ये फ्रांस यात्रा यादगार थी, इसे और भी खास बना दिया गया क्योंकि मुझे बेस्टल डे में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो वही राजधानी दिल्ली पर डबल मुसीबत आने वाली है क्योंकि अब यहां बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बीते दो दिनों में यमुना का तांडव दिल्ली की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा चुका है। चलिए अब आपको बाढ़ के हालात दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर आईटीओ की है, दूसरी तस्वीर राजघाट की, तो वही तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो शांति वन की, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तीनों तस्वीर नजर आ रही है। आईटीओ में जलमग्न हो चुकी है सड़कें और ऐसे में अगर बात की जाए राजघाट की तो राजघाट भी आधे से ज्यादा डूब चुका है। शांति वन में भी तकरीबन यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है और इस बाढ़ से काफी ज्यादा लोग परेशान है और ऐसे में तीनों तस्वीर दिल्ली सरकार की बदहाली को दिखाता है, दर्शाता है। तो बता दें कि यमुना का जलस्तर घट चुका है, सुबह सवेरे ये जानकारी निकल के सामने आई है कि 207 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहां जलमग्न दिल्ली दिख रही है। आधे से ज्यादा दिल्ली डूब चुकी है, चाहे इंडिया गेट की बात की जाए, आईटीओ की बात की जाए, लाल किले की बात की जाए या फिर कई ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कई राहत शिविर भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, लगातार LG हो या फिर दिल्ली सरकार के CM हो, वो लगातार मुआयना कर रहे हैं हर इलाकों का, उनकी तरफ से मदद का हाथ भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली डूबी हुई ही है और ऐसा माना जा रहा है आगे वाले दिनों में और भी ज्यादा ये पानी का लेवल बढ़ सकता है। और आज सावन की पहली शिवरात्रि मनाई जा रही है, जहां शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको बता दें कि शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। ये पूरा दिन भगवान शिव को अर्पित होता है और हिंदू धर्म में शिवरात्रि महादेव का सबसे बड़ा पर्व है। तो वहीं आज इसी अवसर पर हर जगह शिव भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और शिव भक्त मंदिरों में भारी संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको तीन तस्वीर दिखाते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। बता दें पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के औगढ़नाथ शिव मंदिर की है, दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो राजधानी के चांदनी चौक की है, तो तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तीनों तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारी संख्या में यहां पे भक्तजन पहुंच रहे हैं, शिव भक्त पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और माना जाता है कि जो भी मनोकामना लेके आज आप मंदिर में जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार 14 जुलाई की शाम अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके मुंबई आवास पहुंचे थे, जहां अजित पवार अपने बीमार चाची प्रतिभा पवार का हालचाल लेने पहुंचे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से प्रतिभा को शुक्रवार को मुंबई के ब्रिज कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उस दिन सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई, जहाँ प्रतिभा पवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार NCP सुप्रीमो शरद पवार के आधिकारिक आवास सिल्वर ओक पहुंचे। तो वहीं अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने के बाद पहली बार अजित पवार सिल्वर ओक गए। तो वहीं अगर चाची प्रतिभा की बात करें तो साल 2019 में प्रतिभा पवार ने ही कथित तौर पर अजित पवार को NCP में वापस लाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
जब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के बाद अल्पकालिक सरकार बनाई थी। बगावत के बाद पहली बार चाचा और भतीजे की मुलाकात हुई है। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ऐसा ही हाल कमोवेश पूर्वांचल के माफिया डॉक्टर डॉन मुख्तार अंसारी का भी है। दरअसल आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान गवाह को धमकी दे डाली और अपने वकील से गवाहों की फोटो भी मांगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तार वैसे तो काफी सालों से जेल में बंद है, मगर माफिया डॉन मुख्तार है कि अपनी हरकतों से बाहर जाने को तैयार नहीं है। इस बार तो मुख्तार ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी और ऑनलाइन पेशी के दौरान गवाह को ही धमकी दे डाली। जानते हैं कैसे? दरअसल पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने वकील से कहा कि जो गवाही दे रहे हैं उनकी फोटो खींचकर भिजवा देना, यानी सीधे सीधे गवाह को देख लेने की धमकी। अब गवाह के वकील ने आजमगढ़ पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने भी मुख्तार के खिलाफ धमकी देने का एक और नया मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी आजमगढ़ बता रहे हैं पुलिस उस मामले में सबूत जुटा रही है। आपको बता दें कि यह मामला 10 जुलाई का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 2014 में आजमगढ़ में एक हत्या हुई थी और इस वारदात में मुख्तार मुख्य आरोपी है और इस मामले में कोर्ट में गवाही चल रही है और मुख्तार इस वक्त बांदा जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, इसलिए हर तारीख पर उसकी ऑनलाइन पेशी होती है और हमेशा की तरह इस बार भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो रहा था और जैसे ही कोर्ट में गवाही का सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तार बोल पड़ा। बोला ये कि जो ये गवाही दे रहे हैं उनके एक फोटो भेज देना। मुख्तार की यह धमकी सुन गवाह डर गया और उसकी इस धमकी पर उसने मुकदमा तक दर्ज करवा दिया। IS-191 गैंग के सरगना और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर वर्ष 2014 में एक हत्या के मामले में पंजीकृत FIR नंबर 20/14 धारा 302 IPC यह केस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा उक्त केस के गवाहों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर FIR नंबर 384/23 धारा 506 IPC पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है और माफियाओं के विरुद्ध विचाराधीन केसेज में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने के लिए जो विशेष सेल गठित किया गया है जनपद में, उसके द्वारा प्रभावी पैरवी कर जल्द ही इन प्रकरणों में सजा कराई जाएगी। साफ है कि गैंगस्टर मुख्तार अभी भी यह चाह रहा है कि उसकी हनक से डर कर लोग अभी भी उसके खिलाफ गवाही न दें। मगर अब मुख्तार की मदद करने के आरोप में सुल्तानपुर जेल के जेलर वीरेंद्र कुमार के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र कुमार को उनके पद से निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप है कि बांदा जेल में तैनाती के दौरान वो मुख्तार अंसारी की मदद कर रहे थे। विभागीय जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र कुमार पर आरोप है कि जब वो बांदा जेल में जेलर थे तो वे मुख्तार अंसारी की मदद किया करते थे और उनसे मिलने आए लोगों की सहायता करते थे और बाहर से मुख्तार के लोगों द्वारा जो सामान लाया जाता था उसे मुख्तार तक पहुंचाया करते थे। यह मामला सामने आने के बाद जेलर वीरेंद्र कुमार के खिलाफ DIG जेल को इसकी जांच सौंपी गई थी। इस जांच रिपोर्ट में वीरेंद्र कुमार पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इन दिनों साल 2021 से यूपी की बांदा जेल में बंद है। पिछले ही महीने वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, आजमगढ़। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।